हेलो दोस्तों, पीसी टेक्नोलॉजी में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, आज नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस में जो कि बैकअप फोल्डर होते हैं उसको किस प्रकार से हम डिलीट कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसको साधारण तौर पर इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को इस प्रकार का हमको मैसेज मिलता है। तो दोस्तों, ये जो हम लोग को यहाँ का जो फोल्डर है दोस्तों, ये इसको हमको डिलीट करना है, यानी कि इस फोल्डर को जो बैकअप डाटा करके है एनपी का, उसको हमको डिलीट करना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को जो कि प्रोटेक्शन में आ जाना हम लोग को है, डाटा बैकअप है, उसको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो कि ऑटो बैकअप को अनचेक करेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, तो यस करें दोस्तों। तो ये हम लोग का कि जो बैकअप डाटा का ड्राइव आ चुका है यहाँ पर है, जो ये डिलीट दिख रहा है दोस्तों, इसको हमको डिलीट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यस पर हमको क्लिक कर देना है। तो बैकअप डाटा डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली दोस्तों में यहाँ से। और दोस्तों, जो हम लोग का फोल्डर था उसको देखते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग का यहाँ जो जिस फोल्डर को मैं डिलीट करना चाहते थे भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आप इस जो एनपी डाटा बैकअप के फाइल को दिया है फोल्डर है उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से रिमूव हो गया दोस्तों, जो कि हमारा रिसाइकल बिन में आ चुका है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग इसको जो एनपी के जो बैकअप फोल्डर होते हैं उसको डिलीट करते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे सिंपल विधि था दोस्तों, और आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप जब भी कभी एनपी का बैकअप फोल्डर को डिलीट करेंगे तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।